बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हूँ यहाँ पर ले आई हैं, और मैं उनके आर्टिस्ट से ये जरूर पूछना चाहती हूँ कि ये है मुख्तार अहमद साहब, आप खुद बताइए कि ये क्या है। मतलब मुझे कुछ लग रहा है कि बहुत अच्छा है, बट सिंस इट्स अच्छा तो मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन चाहिए। मेरे जो एब्स्ट्रैक्ट्स हैं ये नेचर का ही पार्ट है, लेकिन नेचर मुझे जिस तरीके से दिखाई देता है वो एक अलग बात होती है। हमें फीडेड नॉलेज है, फीडेड ज्ञान दिया गया है कि प्रकृति के हिस्से जैसे पेड़ पहाड़ विलेजेस हैं या पंछियां हैं, यही पेंटिंग का सब्जेक्ट हो सकता है आपके लिए, ये फीडेड नॉलेज है। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आप एक कंपोजिशन में अगर कन्वर्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव सब्जेक्ट बन सकता है आपका। तो वैसे सब्जेक्टों को मैं ढूंढता हूँ। मेरे लिए टूटी हुई दीवार, बारिश में जो काई लग जाती है, अंदर से जो ईटी नज़र आती है उसकी, बहुत अच्छा इंस्पिरेशन बन सकती है पेंटिंग की। इसी तरीके से ट्रेन में जो लोग जाते हैं, जो इश्तिहार फाड़ देते हैं, अलग अलग कलर के रंगों के एक दूसरे के अंदर समावेश बन जाता है उसमें, आप उसको भी अगर फ्रेम में डाल देंगे तो ये विल हैव अ परफेक्ट कंपोजिशन ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट। इसी तरीके से और भी खराब जो साइन बोर्ड्स होते हैं, पुराने जो आर्टिस्ट लिखकर उखड़ जाते हैं, वो रंग उखड़ जाता है, लेकिन कहीं से पीछे से कोई रंग और दिखाई देता है, ये मेरे इंस्पिरेशन होते हैं। नेचर को देखने के लिए मुझे जो पीरियड ज्ञान है, जो दिया हुआ ज्ञान है, उससे परे देखने का मुझे सौभाग्य हासिल हुआ। ये जो सीरीज़ है मेरी, ये मैंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखी थी लेह और लद्दाख के ऊपर, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म नेशनल ज्योग्राफी में दिखाया गया था, तो मैं बहुत इंस्पायर हुआ था उसका। तो लेह और लद्दाख को फिर मैंने इसमें ढूंढा, गूगल में ढूंढा, उसके बारे में स्टडी की, तो बहुत सारे ये बने, मतलब एक ये बनी छवि बनी मेरे अंदर, उसको मैंने कैप्चर करने की कोशिश की। ये मैं इंस्पायर्ड लेह लद्दाख से ज़रूर हूँ, लेकिन ये लेह और लद्दाख का मेरा वर्जन है रिप्रेजेंट करने का। अच्छा। इसी के लिए मैं इसे नेचर का पार्ट बोलता हूँ, पर्टिकुलरली एक लेह और लद्दाख इस तरीके से नहीं बोलता, लोग अपने तरीके से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं ना। मतलब ये पहाड़ भी है, जी बस भी है, जी जी जी, थोड़ा सा अब ये पेंटिंग भी लगभग उसी से इंस्पायर्ड है, लेकिन ये कैनियंस जो है, ग्रैंड कैनियंस है अमेरिका में, यहाँ पर हमारे जो पहाड़ है और अमेजोन के जो जंगल्स हैं, उसमें जो डिकेइंग लीव्स होते हैं, जो प्रोसेस होता है, उसको देख के इंस्पायर हुआ मैं कि ये किस तरीके से उसको पेंट करूँ। तो कई बार तो ऐसा होता है कि कहीं कहीं पर दीवारों में भी मुझे ये चीज़ें नज़र आती हैं, तो ये सारी चीज़ें इकट्ठा होके अंदर के कैनवास में ये अपने आप को उखेरती है, बनाती है, और मेरा काम होता है कि अंदर देख के फिर उसको बाहर ले आती है। ये भी उसी का पार्ट है, ये भी मैंने कैनियन से इंस्पायर्ड होके किया, और इसमें फिर थोड़ा सा जो दीवारों का, जैसे मैंने आपसे कहा कि दीवारों में जब रंग निकल जाती है या काई लग जाती है उसमें, तो ऐसा ही कुछ इसको भी इंटरसेप्ट करने की कोशिश की है मैंने। और ये पेंटिंग, ये सारी पेंटिंग जब तक अंदर नहीं बनती है मेरे, मैं उसे बाहर नहीं बनाता, ये अंदर होना ज़रूरी है। जी मैडम, मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि जो अंदर बन रहा हो वही मैं बाहर लाऊं, अगर अंदर नहीं बनेगा तो बाहर नहीं आऊँगा। मैम, मैं फ्रीलांस आर्टिस्ट हूँ और मैं सेल्फ टॉट हूँ, मैंने कोई पढ़ाई की स्टडी नहीं की। 12 साल से मैं फील्ड में हूँ, आर्ट फील्ड में। मेरी पेंटिंग को बहुत सराहाया गया है, टाटा स्टील के कलेक्शन में है, जमशेट्टी जी बॉय के कलेक्शन में है, दिया मिर्ज़ा पूनम सिन्हा उनके कलेक्शन में है, मालिक डावर सर के कलेक्शन में है, और साथ ही साथ मेरा सौभाग्य ये रहा है कि श्री सैयद हैदर रज़ा ने मेरी पेंटिंग खरीदी जब मैं दिल्ली में शो कर रहा था, और कैंप्स वगैरह भी बहुत किया है मैंने। पेंटिंग ने मुझे ज़िंदगी दी है और मेरी ज़िंदगी पेंटिंग की वजह से बहुत।
बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सो मच। आपकी पेंटिंग बस वंडरफुल है।